विष्णु स्वरूप। दोस्तों, दर्द एक ऐसा शब्द है जो इस इंसानी जिस्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और दर्द के निवारण के लिए कई ऐसे नुस्खे अपने भारतीय कल्चर में आयुर्वेद के जरिए, नेचर के जरिए और योग के जरिए यह निपटाया जाता है, लेकिन इसका सीधा सीधा नसों से और मानसिक स्थिति से, मानसिक रोग से और शरीर के विभिन्न भागों में इस शब्द दर्द का अर्थ समझा जा सकता है। आज हम आपको योगी संजू दीदी से मिलवाना चाहेंगे जो सिर्फ न्यूरोपैथी पर उनका रिसर्च है, वो योग के माध्यम से भी बताती हैं और एक जरिया है जिसमें वो दवाओं जो न्यूरोपैथी का एक अंग है उसके माध्यम से बताती हैं। न्यूरोपैथी एक ऐसा नाम है जिससे अभी लोगों का रूबरू होना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है। अभी यह विद्या लोगों तक आम नहीं हो पाई है। योगी संजू दीदी एक ऐसा नाम है जो इस विद्या में महारत हासिल है और ये इस विद्या को प्रमोट भी करते हैं। आइए मिलते हैं योगी संजू दीदी से। नमस्कार दीदी, ये बात आप बताएं कि न्यूरोपैथी, न्यूरोथेरेपी ये शब्द है क्या, इसके मायने क्या है? न्यूरोथेरेपी एक दबाव चिकित्सा है जो कि दबाव दे करके कोई भी नस से संबंधित जो भी रोग है उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये दबाव दे करके, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या कमर का दर्द हो या घुटना का प्रॉब्लम हो या फिर जॉइंट पेन हो या फिर माइग्रेन पेन हो, इन सभी को ठीक किया जाता है। तो दबाव की जो आप बात करते हैं तो एक्यूप्रेशर भी, वो भी तो दबाव चिकित्सा ही है, तो ये अलग कैसे है? जी, वो एक निश्चित पॉइंट पे दबाव दिया जाता है, वो भी एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा है, दबाव चिकित्सा ही उसमें भी होता है, लेकिन ये अलग है। वो किसी पॉइंट पे दबाव दिया जाता है, किसी चीज़ से दबाव दिया जाता है या फिर अंगूठे से दबाव दे करके उस ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये जो है हथेली और पंजों से, पैर के पंजों से दबाव दे करके या फिर घिसाई के द्वारा कोई भी बीमारी का ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो इसमें मुख्यतः कौन सी बीमारी शामिल है जिसका ये इसमें उपचार जो है ये संभव है या आसान है? बिल्कुल बिल्कुल संभव भी है और आसान भी है। जैसे कि मैंने देखा कि स्याटिका गठिया से संबंधित जितने भी पेशेंट हैं उसमें ये 100+ रिजल्ट देती है न्यूरोथेरेपी, जो कि जैसे स्याटिका गठिया हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कमर का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, एरी का दर्द हो गया, माइग्रेन पेन हो गया, इन सब में ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये कुछ मधुमेह वगैरह, डायबिटीज? जी, डायबिटीज का, पार्किंसन का और पैरालिसिस का। जी, जिनको जिनका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है उनका हेमोग्लोबिन के लिए, हेमोग्लोबिन ठीक करने के लिए भी है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, अधिकतर नस से संबंधित रोग जैसे जॉइंट पेन वगैरह होता है तो कैल्शियम कम हो जाती है, उसके वजह से भी दर्द होने लगता है। तो कैल्शियम की भी पूर्ति हम लोग इस चिकित्सा के द्वारा, ये न्यूरोथेरेपी के द्वारा पूरा करते हैं। तो ये थेरेपी सिर्फ दवाओं से होता है या इसके साथ कोई सप्लीमेंट में आप कोई मेडिसिन भी देते हैं या योग करवाती हैं, ऐसा भी क्या है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम कोई मेडिसिन नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूरोथेरेपी से हम ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें कभी कभी जहाँ पे योग हमें सम्मिलित करना होता है वहाँ पे योग सम्मिलित करते हैं, जैसे कि किन्हीं किन्हीं को कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वहाँ पे योग हम नहीं करवा सकते हैं क्योंकि दर्द हो रहा है तो योग नहीं करा सकते हैं, योग कर भी नहीं सकते हैं पेशेंट, इसलिए वहाँ पे हम थेरेपी से उनके दर्द को नॉर्मल करते हैं, आराम करते हैं। जब दर्द खत्म हो जाता है, बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाते हैं कमर दर्द वाले, घुटना दर्द वाले, तो बाद में उनको फिर योग बता देते हैं ताकि वो सही रह पाए। आजकल हमारे युवा में यह फैशन है बाइक का और बाइक चलाने में अक्सर स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती है, यह एक आम बात है, इसमें आप किस तरह से मददगार साबित होंगे? आप क्या बताना चाहेंगे युवाओं को कि वो इस योग की प्रक्रिया से या इस थेरेपी की प्रक्रिया से कैसे गुजरे कि ये बीमारी उसे ना हो?
जी, ये तो सही बात बोले कि फैशन हो गया है, बाइक चलाते हैं या फिर कंप्यूटर पे बैठते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, गर्दन में परेशानियाँ आ जाती है। तो हम सभी युवाओं से या फिर सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि वो योगा प्रत्येक दिन करे, जैसे गर्दन का योग वो करे, हाथ का सूक्ष्म व्यायाम करे, तो उससे वो बचा जा सकता है। और आहार विहार सही होनी चाहिए, यदि आहार सही नहीं है तो फिर परेशानी तो बनी रहेगी। अब आहार की आप बात करते तो किस तरह के आहार इस केस को ना हो तो किस तरह का परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये तो बाइक चलाने से होता है तो फिर उसमें स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत आ जाती है, तो इसमें आहार का क्या है लाभ? हाँ जब स्पॉन्डिलाइटिस या फिर कहीं भी पेन हो रहा है तो हमारा डाइजेशन जरूर गड़बड़ा गया है, इसलिए पेन वहाँ ठीक नहीं हो पा रहा है। तो डाइजेशन ठीक होना चाहिए, तो उसमें हमें खान पान बहुत ज़रूरी है। खान पान जैसे तैसे खाते हैं तो गैस बन जाता है, तो उस वजह से दर्द ठीक नहीं हो पाता है। तो हमें गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, बादी चीज़ से बचना चाहिए, खट्टे चीज़ से बचना चाहिए, तेलीय चीज़ से बचना चाहिए। यदि ये सारे चीज़ से हम बचेंगे तो हम दर्द से राहत ले पाएंगे। कोई ऐसा साधारण सा कोई प्रक्रिया जो आप बैठे बैठे हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि ये सहज प्रक्रिया है इस न्यूरोथेरेपी को समझने के लिए और करने के लिए भी, जिससे उसे दर्द से राहत मिले, जैसे घुटनों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन का दर्द या फिर बाजुओं में पेन होना। तो ऐसे कई साधारण सी बीमारी है जिसकी लोग अक्सर शिकायत भी करते रहे हैं, तो उसको क्या आप कोई ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं? जी बता सकते हैं, ये तो दूसरे पे करके दिखाना होता है। जैसे नस जहाँ पे जाम हो गया या फिर नस में कोई परेशानी हो गई है तो उनको रिलीज करना होता है, तो उनको हाथ के द्वारा यहाँ पे मसाज, जैसे मेडुला देना होता है, 8 मेडुला देते हैं या फिर 11 मेडुला देते हैं, तो उससे वहाँ का नस फ्री होता है जो कि गर्दन की समस्या को ठीक करता है। या फिर T1 T2 में परेशानी आ जाती है तो T1 T2 हम लोग दबाव से देते हैं, अंगूठे से इस तरह देते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ ठीक हो जाता है। तो दबाव देने के बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है जी तो क्या फिर उसके बाद वो योग करेगा जिससे कि यह शिकायत दोबारा ना हो? जी उनको योग बताती हूँ ताकि वो सब दिन के लिए वो ठीक रह पाए, और उनको आहार पे भी चेतावनी देती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं खाना है, जिससे गैस बन रहा है, जो गरिष्ठ भोजन है जो हमें पचा नहीं पा रहे हैं हम, उन्हें नहीं खाना है। तो आहार के लिए क्या है ऐसा मुफीद, बिल्कुल सटीक, जो किसी को भी किसी भी तरह की बदहजमी से बचाए, ऐसा आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ जैसे गैस की समस्या हो जाती है, गैस से बचे रहने के लिए हम, जैसे गोभी बहुत ज़्यादा गैस बनाती है, भिंडी बहुत ज़्यादा गैस बनाती है, तो गोभी, भिंडी, टमाटर, खट्टा चीज़ ये नहीं खाना है, ये मना कर देती हूँ। चना का दाल मना कर देती हूँ, चना का बेसन मना कर देती हूँ उन लोगों को, ताकि गैस नहीं बनेगा ना दर्द होगा। यदि ये चीज़ मना कर देती हूँ तो हमको लगता है ऐसे ही बीमारी आधा पार हो जाता है, ऐसे ही पार हो जाता है। धन्यवाद। आप अभी तक जो आपने देखा, संजू दीदी ने कहा कि आहार को संयमित रखें, अपने व्यवहार को भी संयमित रखें और योग के द्वारा इस तरह की बीमारियों को जो साधारण है, आम जीवन में घटित होने वाली है, उसको बचाया जा सकता है, उससे बच सकते हैं और दूसरे को इसके बारे में आप जानकारी भी दे सकते हैं। धन्यवाद आपका। जी।